फ्रेंड्स, तो क्या आपको भी होम डस्टिंग करते हुए प्रॉब्लम होती है? होती है ना, किसी को होती है डस्ट से छींक आने लग जाती है, किसी को होता है कि हाथों में एलर्जी हो जाती है, और भी कई तरह की एलर्जीज हो जाती हैं लेडीज को होती है डस्टिंग करते हुए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रास कॉर्नर। मैं हूँ चित्रा, और आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेकर आई हूँ कि आप क्या क्या टिप्स अपना सकते हैं घर की क्लीनिंग करते हुए, डस्टिंग करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इससे पहले, जो मेरे न्यू व्यूअर्स आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक करना भूला मत कीजिए प्लीज। तो आज मैं आपको चार तरह के बताऊंगी स्कार्फ से आप कैसे अपने फेस को रैप कर सकते हैं, और एक चीज और बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों को जो है बांध लेती हूँ अच्छे से। मैंने बन बना लिया है। तो ये कॉटन का मेरा है स्कार्फ, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल है। इसको मैं लूंगी अपने सर पे, एक साइड छोटी रखेंगे। नीचे वाले पोर्शन को इस तरीके से बांध लेंगे। ये जो स्कार्फ की छोटी साइड थी, जो दूसरी साइड थी, वो मैंने इसके नीचे कर ली है, और ये लुक इसका इस तरीके से आया है, देखिए साइड से भी। और ये माउथ भी जो है मेरा अच्छे से कवर हो गया, नोज़ और माउथ, और हेड भी अच्छे से कवर हो गया, जिससे कि बाल भी गंदे नहीं होंगे, डस्ट नहीं जाएगी। और ये दूसरा स्टाइल है, मैंने दोनों साइड बराबर लिया है स्कार्फ को, और अब ये मैंने सर के ऊपर से ले जाकर और उसी के अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया, उसको दबा दिया है। और जो दूसरी साइड है स्कार्फ की, इसको मैंने फोल्ड करके, आप बिना फोल्ड करे भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको पीछे दो नॉट लगा लिए, ये खुले जा रहा था बार बार, स्लिप हो रहा था। अब ये दो नॉट लग गई हैं इसमें, और इसका लुक जो है वो इस तरीके से आया है। ये तीसरा स्टाइल है, दोनों ही बराबर हैं। और ये मैंने इसको फेस पे ले लिया है। मोस्टली मैं यही कवर करती हूँ जब मैं डस्टिंग करती हूँ। थोड़ा कान से स्लिप हो रहा था मेरे। ये कॉटन का स्कार्फ है, जिससे कि मतलब काफी कंफर्टेबल रहता है कॉटन का गर्मियों में। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टा पे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, और लाइक भी कर सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। और ये है फोर्थ स्टाइल, दोनों बराबर लिया है मैंने। और अब मैं इसको जो है, ये बहुत ही सिंपल है, बस कॉर्नर से लेकर और जितना आपके बंधे में आ जाए, बस आपको उतना जो है बांध लेना है, पीछे नॉट लगा लेनी है दो। गर्मियों में क्योंकि पसीना आता है, तो इसलिए जो है कॉटन का सही रहता है। और ये लास्ट फिफ्थ स्टाइल है, मैंने स्टार्टिंग में चार बोल दिया था, बट मेरे को एक और याद आ गया तो मैंने वो भी ऐड कर दिया।
और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्विक एंड सिंपल इजी। ये देखिए मैंने कॉर्नर से जोड़ लिया जिस तरीके से हम तय बनाते हैं, और बस इसको ऐसे मैंने पीछे दो नॉट लगा लिया है। और अब मैं इसको जो एक साइड है, ऊपर वाली साइड है, इसको मैं जो है पीछे ले आऊंगी। इस तरीके से मैं इसको पीछे ले आऊंगी और जैसे कि आंखें मेरी निकल आएंगी। अब मेरा हेड भी कवर हो गया है और मेरा फेस भी कवर हो गया है। अच्छे से डन। और ये है गाइस ने ट्रायल ग्लव्स जो कि सिंथेटिक फाइबर के हैं, और मेरी एक सब्सक्राइबर है शीतल अब्रॉय, बड़ी प्यारी हैं वो, काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी मैम वो बनाइए, बट मुझे मिल नहीं रहे थे। और फाइनली जो मिले हैं वो वाइट मिले, उन्होंने ब्लैक की डिमांड की थी मुझसे, बट वो नहीं मिले। शीतल जी अगर आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊंगी अगर मुझे मिले ब्लैक कलर के ट्रायल ग्लव। ये आपके जो हैं रेस्टिंग में सही रहते हैं, सनलाइट में तो आप इसे नहीं पहन सकते हैं, तो इसको आप हाइजीन पर्पस से भी ठीक है, आप खाना बनाते हुए इन्हें पहन सकते हैं, जिन्हें एलर्जी होती है थोड़ी पानी से और दूसरी चीज़ों से, तो ये पहनकर इसका लुक जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो मैंने आपको दिखाए हैं स्कार्फ के, जो मैंने आपके 5 स्टाइल बताए हैं, ये आप डस्टिंग में या फिर आप ड्राई करती हैं बाहर जाती धूप में तो आप उसमें भी यूज़ कर सकती हैं। और जो ड्राइव करती हैं उनके लिए जो है दूसरे ग्लव्स ठीक रहते हैं, लॉन्ग ग्लव्स ठीक रहते हैं। अगर आप फुल स्लीव पहनती हैं तो आप शॉर्ट वाले ग्लव्स पहन सकती हैं इस टाइप के, इस टाइप के। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, भूल जाते हैं कुछ लोग ना। और ये आप गॉगल्स से भी कवर कर सकते हैं जब आप ड्राइव करते हैं तो आंखों पे टैनिंग ना हो, आंखों में कुछ जाए ना, तो ये भी आपके लिए प्रिकॉशन है धूप से, सनलाइट से, अल्ट्रावायलेट रेज से। डन। कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे ट्रायल ग्लव्स जो कि हम डस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे हाथों पर एलर्जी ना हो। हाइजीन के पर्पस से हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं इनको, हाँ, बट आप सनलाइट में इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं घर में डस्टिंग करते वक्त ट्रायल ग्लव्स का यूज़। और वैसे ये सर्जिकल यूज़ में होते हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, बट आपने देखा होगा कि जब हम गोलगप्पे खाने जाते हैं तो वो भी जो गोलगप्पे देने वाला होता है, शॉपकीपर होता है, वो भी ये पहने रहता है। तो हाइजीन के पर्पस से ये बहुत अच्छे हैं, तो हमारे हाथों पर एलर्जी नहीं होती इनको पहनने से, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं शीतल अब्रॉय, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप ट्रायल ग्लव्स पहन कर, बट सॉरी मुझे ब्लैक कलर के ग्लव्स नहीं मिले, आपकी डिमांड थी कि मैं ब्लैक कलर के ग्लव्स पहनूं, बट मुझे नहीं मिले, मुझे वाइट ही मिले। तो जब मुझे मिलेंगे कभी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर किसी को इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।